हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एनपीएस के बारे में। एनपीएस की पूरी डिटेल के बारे में हम जानेंगे। तो एनपीएस है नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको पीएफआरडी रेगुलेट करता है। यह दो तरह के अकाउंट ऑफर करता है, टीयर वन एंड टीयर टू। जो टीयर वन अकाउंट होता है वो पेंशन अकाउंट होता है, जिसमें कुछ विड्रॉल्स भी होती हैं। तो विड्रॉल्स की कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, जैसे 40%, 25%, 60%। वो हम लास्ट वीडियो तक जान जाएंगे कि क्या है वो। और टीयर टू जो अकाउंट है वो वॉलेंट्री अकाउंट है, लेकिन उसको वही ओपन करा सकता है जिसका टीयर वन अकाउंट एक्टिव है। लेकिन टीयर टू अकाउंट की सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है, सबसे जो बड़ा बेनिफिट है, वो है लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब आप अपना पैसा कभी भी निकलवा सकते हैं। टीयर वन अकाउंट जो है उसमें आपको जब भी एग्जिट करते हैं उससे, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे सुपरनेशन हो, तो आपको मिनिमम 40% जो टोटल वैल्यू होगा आपका और गवर्नमेंट का, उसका 40% कंट्रीब्यूशन को आपको पेंशन के तौर पे लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई ESP एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर चूज करने पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं और ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। ये तो आपको पता ही होगा कि 1/1/2004 के बाद जो एनपीएस लागू किया गया था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसमें 10% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होता है और 14% गवर्नमेंट का होता है। तो ये 1/4/2019 से 14% गवर्नमेंट ने कर दिया है, ठीक है। तो टोटल 24% आपका बेसिक और डीए का एनपीएस अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होता रहता है। तो ये चीज़ें तो नई नहीं हैं, ये आपको सबको पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं इसके पार्शियल विड्रोल्स की। तो इसमें पार्शियल विड्रोल ही करा सकते हैं हम खाली। सब्सक्राइबर कैन विड्रो अप टू 25% ऑफ देयर ओन कंट्रीब्यूशन एट एनी टाइम बिफोर एग्जिट फ्रॉम एनपीएस टीयर वन। मतलब एनपीएस टीयर वन से एग्जिट करने से पहले, एग्जिट मतलब आप सुपरनेशन, वॉलेंट्री या रेजिग्नेशन, उससे पहले 25% आप एज ए पार्शल विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन इसके रेस्ट्रिक्शंस ये है कि आपकी 10 साल नौकरी हुई होनी चाहिए, आपकी 10 साल नौकरी होनी चाहिए, और जो पार्शल विड्रॉल का जो गैप है वो 5 ईयर का कम से कम होना चाहिए। मतलब एवरी 5 ईयर में आप 25% अपना पैसा, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, ना कि गवर्नमेंट का, आपने कंट्रीब्यूशन का आप 25% पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको जाननी पड़ेगी कि जो इसमें 10 ईयर का आपकी जॉब हुई होनी चाहिए, एंड देर शुड बी गैप ऑफ मिनिमम 5 ईयर्स बिटवीन सक्सेसिव विड्रॉल्स। इट मीन्स 2 विड्रॉल्स के बीच में 5 ईयर का गैप होना चाहिए। और ये टोटल आप मैक्सिमम 3 टाइम्स ये चीज़ अवेल कर सकते हैं, जो मैक्सिमम 3 टाइम्स ड्यूरिंग द एंटायर टेन ऑफ सब्सक्रिप्शंस। जो आपका सब्सक्रिप्शन का जो टाइम रहेगा उसमें आप टोटल ये कह सकते हैं कि आपकी, जब तक आप एग्जिट करें तो तब तक आप 3 बार अपना पार्शल विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी जो होगा 25% का। तो पार्शल विड्रॉल भी आप किसी कंडीशन में कर सकते हैं, जैसे आपको मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर घर वर बनाना है, या फिर शादी वादी है। उसके बाद बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट की। ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें 3 तरह के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, इनको ध्यान से आप देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। 80 CCD 1, 80 CCD 1B, 80 CCD 2। ये तीनों हैं जो 80C के सेक्शंस हैं। तो जो 80 CCD 1 में जो क्या बोलते हैं, 80 CCD 1 के तहत आप अपने कंट्रीब्यूशन का 80C में 1.5 लाख तक का IT रिबेट ले सकते हैं। मतलब आपके कंट्रीब्यूशन जो है, अपना कंट्रीब्यूशन है कि गवर्नमेंट का, अपने कंट्रीब्यूशन को आप 80 CCD 1 में 1.5 लाख तक दिखा सकते हैं। उसके बाद आएगा 80 CCD 1B। 80 CCD 1B 2015-16 के बाद से आप 50,000 रुपये तक का रिबेट मिलेगा, जो कि 80 CCD 1B में के तहत आपको मिलेगा। तो ये जनरली हमारे को ऑटोमेटिक दे ही देते हैं 50,000 का। तो ये दो सेक्शन आपको पता हुआ होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है 80 CCD 2। तो 80 CCD 2 जो है उसमें आपको 40% जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है और जो 10% आपका कंट्रीब्यूशन है,
वो आप 80 CCD 2 के तहत ले सकते हैं, और जो रिबेट जो होगा वो 80C सेक्शन जिसकी 1.5 लाख लिमिट है उसके ओवर एंड अबो होगा, मतलब उसके अलावा आप ले सकते हैं। तो इसके आगे मैंने एक स्लाइड बना रखी जिसमें कंपैरिजन कर रखा है, उसमें हम अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे टैक्स एग्जेम्प्ट की, कि जब जो हम रिटायरमेंट के टाइम जो हमारे को विड्रोल्स मिलेगा, जो विड्रोल हम कराएंगे वह टैक्स एग्जेम्प्टेड है कि नहीं या नहीं है। तो उसमें जो एक तो टैक्स एग्जेम्प्ट में हम जो 25% जो पार्शल विड्रोल करते हैं वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, ये बात आपको पता हुआ होना चाहिए। मतलब जो पैसा हम निकालेंगे अपना 25%, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और जो 60% ऑफ टोटल पेंशन वेल्थ फ्रॉम NPS टीयर वन एट द टाइम ऑफ सुपरनेशन, जो 60% जो आप कॉर्पस आपको पैसा जो मिलेगा सुपरनेशन के टाइम में, वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड गवर्नमेंट ने कर रखा है। और जो 40% जो हम जो 40% कॉर्पस का जो हम लेते हैं एज ए एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें पेंशन देते हैं, वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड गवर्नमेंट ने। तो तीनों टैक्स फ्री हैं, आपको चीज़ें पता होना चाहिए यदि आप NPS अकाउंट होल्डर हैं। तो इसके बाद मैंने एक स्लाइड बना रखी है जिससे आप मैं पूरी तरह से आपको टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बता दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 80CCD 1 में क्या है। इसमें क्या है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, आपका क्या है 10% कंट्रीब्यूशन है, वो आप 80C के लिमिट के तक ले सकते हैं। जैसे 80C की लिमिट 1.5 लाख तक। तो यदि आपकी PPF LIC से 1.5 लाख तक नहीं जा रहा है, तो आप अपना जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो 80CCD 1 में दिखा सकते हैं। तो जो आपके बेसिक का होगा 10%। तो 80CCD 1B में आपको एक्स्ट्रा डिडक्शंस मिलेगा, जिसमें जो इसकी लिमिट 50,000 रुपये है। तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50,000 रुपये है, तो वो आपको ओवर एंड अबो है। तीसरा है 80CCD 2, जिसमें टोटल 24% है, 10% आपका और 14% गवर्नमेंट का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइज़।